जैनब तैयार हो गई हो तुम मैंने कमरे में झांक कर देखा तो वो परेशानी से बिस्तर पर बैठी हाथ मरोड़ रही थी मैं समझती थी इस तरह की परेशानी हर लड़की को होती है मैंने मुस्कुरा कर कहा कि फिक्र नहीं करो बस अभी तुम्हारा निकाह हो जाएगा फिर देखना तुम कितनी खुश होती हो मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी मेरी जानब देख कर बोली मुझे तिलावत करनी है निकाह से पहले मैंने ना समझी से अपनी दोस्त की जानब देखा और पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा तो वो उस पार्ट ले जे कहने लगी शैलाब मुझे अपने निकाह से पहले तिलावत करनी है जानती हो मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे हाफिज़ा बनाया था यही नहीं सिर्फ वो खुद भी हाफिज़ कुरान थी तो उन्होंने अपने निकाह पर भी तिलावत की थी बस इसी वजह से मैं भी यही चाहती हूँ इतना कहकर वो चुप हो गई तो मैंने उसे अछंबे से देखा और पूछा बहन अभी दो घंटों तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी तुम्हारी ना कोई ऐसी ख्वाहिश थी ना ही कोई माँ की कहानी तुम्हें याद थी तो फिर अचानक कैसे हो गया मुझे वाकई उसकी बात पर हैरत हो रही थी मेरी जानब देखते हुए वो धीमे लहजे में बोली अभी कुछ देर पहले मेरी आंख लगी थी ख्वाब में अम्मी आई थी उन्होंने ही ये सब मुझसे कहा था इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसकी अम्मी हावज़ा नहीं थी खैर मैंने पूछा आप क्या चाहती हो खैर मैंने पूछा आप क्या चाहती हो तुम्हारे अब्बा को बता देती हूँ कि तुम तिलावत करना चाहती हो ठीक है उसने इस बात में सर तो हिला दिया मगर वो बहुत नर्वस लग रही थी मैं भी समझते हुए कमरे से बाहर आ गई मगर बाहर आते ही सामने मुझे उसके अब्बा निकाह खुआव के साथ मिल गए तो मैंने देर किए बग़ैर उन्हें तिलावत के मुतालिक बता दिया ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और पंद्रह मिनट के अंदर अंदर माइक वग़ैरह का बंदोबस्त कर दिया गया जैनब पहले तो बहुत परेशान लग रही थी मगर जैसे ही उसने तिलावत करना शुरू की उसकी सारी परेशानी झट से गायब हो गई उसकी आवाज़ इस क़दर खूबसूरत थी कि वो मौजूद तमाम लोग कुछ लम्हात के लिए तो सुन से हो गए मैं खुद एक ट्रांस किसी कैफ़ियत में चली गई थी जैसे ही उसने तिलावत मुकम्मल की सब लोगों ने बहुत तारीफ की और फिर अगले चंद लम्हात में उसका निकाह कर दिया गया अभी सिर्फ निकाह की तकरीब थी शादी एक दो माह बाद या अगर उसमें भी कुछ गुंजाइश निकलती तो उसके बाद की जाती निकाह के बाद तमाम लोग मुबारकबाद वग़ैरह देकर अपने अपने घरों को चले गए मैं भी सबसे आखिर में जाने लगी तो जैनब ने हाथ पकड़कर रोक लिया कि अभी मत जाओ आज की रात मेरे साथ रुक जाओ मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि मेरे घर में खुद बीमार माँ थी और भाभी कहाँ तक माँ का ख्याल रख सकती थी वैसे ये अलग बात थी कि मेरा और जैनब का घर एक ही मोहल्ले और गली में था मैंने उसे समझाया कि मैं आज नहीं रुक सकती मगर मेरी बात पर वो रो पड़ी मैं समझ रही थी कि वो इस वक्त अपनी अम्मी को याद कर रही है मेरा दिल उसकी वजह से भी परेशान था मगर मैं क्या करती मैंने बिला उसके अब्बू से बात की और पूछा कि क्या मैं ज़ैनब को अपने साथ अपने घर पर ले जाऊँ उन्होंने एतराज़ करना चाह मगर उसी लम्हे ज़ैनब वहाँ आ गई और उसे देख वो खामोश हो गए साथ ही इजाज़त भी दी थी जैनब बहुत खुश थी क्योंकि उससे मेरा और जैनब दोनों का मसला हल हो गया था कुछ ही देर में उसकी सौतीली माँ ने एक बैग तैयार करके ज़ैनब को थमाया जिसमें एक जोड़ा और ज़रूरत का कुछ सामान था हम दोनों को मेरे घर उसके अब्बू छोड़ कर गए थे अम्मा ने जब जैनब को मेरे साथ देखा तो बहुत खुश हुई और प्यार भी दिया वो भी वहीं पर बैठ गई और काफ़ी देर अम्मा से बातें करती रही रात गहरी हुई तो जैनब और मैं मेरे कमरे में आ गए वो वॉशरूम का बोलकर बाहर चली गई और पीछे मैं उसका बिस्तर तैयार करने लगी इस सब में वक्त ही कितना लगा होगा मगर जब जैनब वापस कमरे में आई तो मेरे हाथ पाँव फूल गए क्योंकि उसका रंग सुर्ख हो रहा था और आंखें अजीब तरीके से उल्टी हुई महसूस हो रही थी मैं बहुत ज्यादा घबरा गई मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्या दू पहले तो पानी पिलाकर उसे बिस्तर पर लिटाया मगर फिर कुछ समझ नहीं आया तो बाहर जाने लगी मगर वो उसी लम्हे बेहोश हो गई मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर वो उठ के ही नहीं दे रही थी इतनी रात को मैं अकेली उसे कहीं ले जा भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे मुझे जो कुछ याद था पढ़ पढ़ कर जैनब पर फूंकती रही जिससे उसके जिसम की रंगत वापस नॉर्मल होना शुरू हो गई उसकी जिल्द पहले यूं हो गई थी कि गोया हाथ लगाया तो जिसम से बाहर खून छलक पड़ेगा मगर अब काफ़ी उफाक का था मैं सारी रात जागती रही सुबह फजर के वक्त जाकर मेरी आंख लगी फिर आठ बजे खुली तो जैनब उस वक्त भी सो रही थी मैंने परेशान होकर उसे जगा दिया मगर अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी क्या हुआ था तुम्हें रात को इससे ज्यादा सब्र मुझ में नहीं था उसकी आंखें खोलते ही मैंने सवाल दाग दिया पहले तो वो मुझे नासमझी से देखती रही फिर धीरे से इनकार में सर हिलाकर दोबारा से आंखें मूंद ली मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो ये बताना गवारा नहीं कर रही जबकि मैं पूरी रात इसकी खातिर जागती रही हूं मैंने उसका बाजू जोर से हिलाया ताकि वो मुकम्मल तौर पर नींद से जाग जाए मगर उसने कोई भी रद्दमल दिए बग़ैर धीरे से आंखें खोली और मेरे कुछ पूछने से पहले ही बोल पड़ी शैला बस ज़रा सा चक्कर आ गया था अभी मेरी हालत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हुई घर से कोई लेने आए तो मना कर देना और मुझे प्लीज़ कुछ वक्त अकेला छोड़ दो नाश्ता या कुछ भी चाहिए होगा मैं बता दूंगी। उसकी आवाज़ और लहजा गैर मामूली तौर पर बदला हुआ था मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शायद तबीयत खराबी की वजह से ऐसा होगा उसके कहने के मुताबिक मैं कमरे से बाहर आ गई अम्मा को मैंने उसकी तबीयत खराब का बता दिया था उनका कहना था कि उसे बाहर लाओ मैं दम कर देती हूँ मगर जैनब बहुत चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी मैंने अम्मा को यही बताया कि वो सो रही है दोपहर तक जब वो नहीं उठी तो मैं मजबूरन कमरे में गई मगर हैरान रह गई कि जैनब जाग रही थी और हनूज वैसे ही लेटी थी जैसे उसे सुबह छोड़कर गई थी आंखें भी खुली थीं जो मुसलसल छत को तक रही थी मुझे अब वाकई में परेशानी होने लगी मैं धीरे से उसके पास गई और पूछा जैनी क्या हुआ है तुम्हें तो डॉक्टर के पास ले चलूँ उसने मुझे एक नज़र देख कर वापस से अपनी निगाहें मोड़ कर छत पर टिका ली अलबत्त कोई भी रद्द अमल नहीं दिया मैं उसके बालों में धीरे धीरे हाथ चलाने लगी जिससे इतना हुआ कि वो आंखें मूंद कर लेट गई शायद सो भी गई थी मगर तभी उसकी सतीली माँ हमारे घर उसे वापस लेने आ गई और सीधा कमरे में चली आई मैंने दबे अल्फाज में बताया कि इसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है मगर वो जैनब को बाजू से पकड़ कर बगैर कुछ सुने वापस ले गई मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ लेकिन यह नई बात नहीं थी उसकी सतीली माँ भी ज़माने से अलग नहीं थी जो उस पर जुलम ना करती मैं बेचैन सी होकर बाहर अम्मा के पास आ बैठी मगर अब मुझे अम्मा को देख कर तशवीश होने लगी वो अभी तक उसी जानब देख रही थी जहाँ से जैनब गई थी मैंने पूछा अम्मा आपको क्या हुआ है इस बात पर वो चौंक गईं और बड़बड़ाने के अंदाज़ में बोली भारी है बहुत भारी है मैंने अचंभे से पूछा अम्मा क्या भारी है उन्होंने एक भरपूर निगाह मुझ पर डाली और फिर नफ़ी में सर हिलाकर वापस बिस्तर पर दराज़ हो गई मगर उनकी निगाहें अभी तक बाहर दरवाजे पर ही टिकी थीं मैं तो अम्मा और ज़ैनब के हालात देखकर शशोपंच का शिकार हो गई मगर जल्द ही इस सारे वाक़ पर मट्टी डाल दी क्योंकि मैं समझती थी निकाह को कबूल तो हर लड़की कर लेती है मगर उसका असर जल्द ख़त्म नहीं होता जैनब को मेरे घर से गए दो दिन हो चुके थे वैसे भी मैं नौकरी करती थी तो उसी में उलझी हुई थी जब एक रोज़ अम्मा ने कहा कि शैला जैनब को तो लाओ किसी दिन उस रोज़ भी बच्ची की हालत अच्छी नहीं थी अम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा था मैं उनके कहने के मुताबिक शाम को ही जैनब के घर चली गई मगर वहाँ जाकर मुझे एक नया धचका लगा उसकी सौतीली माँ उस वक्त घर पर नहीं थी और पूरा घर खुला हुआ था मैंने सारे कमरों में झांक कर देखा तो आखिरी कमरे में वो मुझे एक चारपाई के साथ बंदी हुई दिखाई दी उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी रोने के निशानात बहुत वाज थे तकरीबन वो नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी मैंने जल्दी से उसे थामा तो काँप के रह गई क्योंकि उसका बदन जैसे किसी भट्टी में जल रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी माँ उस पर बहुत जुलम करती थी मगर ये म तो हद से सवा था मैं उल्टे कदमों घर की जानब वापस मुड़ी और जैनब के अब्बा को फ़ोन मिलाया वो दूसरे मुल्क में हुआ करते थे पिछली मरतबा भी जैनब के निकाह पर ही आए थे किस्मत अच्छी थी उन्होंने फ़ौर ही फ़ोन उठा लिया मैंने तमहीद बांधे बगैर उन्हें बताया कि किस तरह उनकी बीवी ने ज़ैनब को बांध रखा है मगर उन्हें मेरी किसी भी बात पर कोई हैरान ही नहीं हुई उन्होंने बड़े तहमुल से बात सुनकर कहा कि आसिया जो कर रही है उसे करने दो जैनब के मामला में आसिया के अलावा मैं किसी दूसरे को दखल अंदाजी करने का इख्तियार नहीं दूंगा वैसे भी उसकी हालत ऐसी नहीं उसे बांधे बगैर घर में रखा जाए इतना बोलकर उन्होंने फोन बंद कर दिया मैं हैरत से शशदर रह गई भला कोई बाप इतना सफाक भी हो सकता है क्या मैंने उसी लम्हे फैसला किया तेज तेज कदम उठाती वापस जैनब के घर गई अभी भी सारा घर खुला हुआ था और कोई भी नहीं था यकीनन उसकी सौतीली माँ बाहर कुछ लेने गई हुई थी फिर किसी से बातों में इस कदर खो गई होगी कि घर की भी फिक्र नहीं रही मैंने जैनब को रस्सी की कैद से आज़ाद करवाया और ख़ुद का सहारा देकर उसे बड़ी सी चादर में छुपा कर अपनी भाभी के मैके में ले आई भाभी को भी फ़ोन करके वहीं पर बुलवा लिया उनका मैका दो गलियाँ छोड़ कर ही था वो आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी वो समझदार थी उन्होंने अपने मैके में ज़ैनब को रुकने की इजाज़त दे दी साथ ही वो भी वहीं पर रुक गई और मैं जल्दी से घर वापस आ गई मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था आधे घंटे बाद ही ज़ैनब की सौतीली माँ चीखती हुई हमारे घर में दाखिल हुई और सीधा हमारे घर के कमरों में दाखिल होकर तलाशी लेने लगी अम्मा तो बहुत हैरान हुई जबकि मैं तसल्ली से बैठी उसकी एक एक हरकत को बगौर देख रही थी बिल आखिर पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद वो गुस्से से भरी हुई मेरे पास आई और दरुस्तगी से बोली कहाँ है वो मैंने अनजान बनते हुए पूछा किसकी बात कर रही है इस पर वो बिफर गई कहने लगी तुम्हारी सहेली उसे कमरे में छोड़कर किसी काम से बाहर निकली थी वापस आई हूं तो वो वहां पर मौजूद नहीं है यही नहीं उसका सारा जेवर भी गायब है मैं ठंडी सांस भर कर रह गई क्योंकि समझ चुकी थी जैनब के जेवरत वगैरह उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुद ही छुपा लिए हैं अब वो उसे गुनाहगार और भगोड़ी साबित करने की खातिर उस पर इल्जाम की बोछाड़ करने से भी बाज नहीं आएंगी मैंने चौंक के बगैर साफ अल्फाज में कहा वो यहाँ नहीं आई पता नहीं कहाँ चली गई है अब ये आप बेहतर जाने ऐसा करें उसके ससुराल फोन करें तो वो चौंक गई और जल्दी से बाहर को भागी अम्मा अभी तक हैरान थी उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब क्या था तो मैंने अम्मा को सारी बात बता दी कि इस औरत ने कैसे हालों में जैनब को बांध रखा था अम्मा को खुद बहुत दुख हुआ धीरे से बोली कि ऐसी हालत में तो ख्याल रखते हैं और इसने क्या किया अच्छा तो इसके साथ भी नहीं होगा अम्मा के जुमलों पर मैं चौंक गई मैंने पूछा अम्मा कौन सी हालत की बात कर रही हैं अम्मा ने हैरानी से मुझे देखा और बोली नहीं कुछ नहीं अब वो नहीं आएगी ऐसा करो अपनी भाभी से कहो जैनब को यहाँ ले आएं मैं इस बात में सर हिलाकर भाभी को बुलाने चली गई आधे घंटे बाद ही भाभी जैनब को अपने साथ लिए हमारे घर में मौजूद थी अम्मा ने जैनब को अपने पास बिठाया काफ़ी देर बग़ैर कुछ कहे उसे देखती रहीं फिर एक ठंडी आह भर कर मुझे बुलाया कहा कि इसे कमरे में ले जाओ और बहुत ख्याल रखना बच्ची का अम्मा का लहजा बड़ा मशकूक था मगर फ़िलहाल इतना वक्त नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछ सकती जैनब के हाथ मुंह धुलवा कर मैंने अपना एक जोड़ा उसे दिया जो वो चुपचाप तब्दील करने चली गई फिर वापसी पर कुरान पाक लेकर बैठ गई वो अपनी हरकतों से तो बिल्कुल तंदरुस्त लग रही थी हाँ बस खामोश थी कुछ पता नहीं उसकी माँ ने क्यों बांधा था उसे मैं बाहर आई तो अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि शैला रात को तुम मेरे पास सोना जैनब के पास नहीं लेटना ठीक है मैंने आज से अम्मा को देखा मगर ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैंने इस बात में सर हिला दिया वापस कमरे में उसके लिए खाना लेकर गई तो वो कुरान पाक बंद करके रख चुकी थी आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी थी उसने खाना देखते ही इनकार कर दिया और कहा कि मैं खाना खा चुकी हूँ मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसकी माँ ने खाना कैसे खिला दिया मगर चुप रही खाना वैसे ही बाहर लाई तो अम्मा ने पूछा उसने खाया नहीं तो मैंने उसी का जवाब दोहरा दिया जिस पर अम्मा इस बात में सर हिलाकर बोली ठीक है आइंदा अगर वो ऐसा कहे तो ज़बरदस्ती ना करना और ना ही कोई सवाल करना मेरी बात मानो उसे उसके हाल पर छोड़ दो फिलहाल उसे छेड़ना मुनासिब नहीं है मैंने ऐसी निगाहों से अम्मा को देखा गोया मुझे उनकी जहनी हालत के बिगड़ने पर शुबा हो गया था अम्मा कैसी खपटी बातें कर रही थी खाने की ट्रे रख कर वापस कमरे में गई तो वो मुझे देखते फौरन उठ बैठी बोली शैला मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा मैंने इस बात में सर हिलाकर उसका हाथ दबाया मैं समझ सकती थी कि उसकी माँ के जुल्म निकाह के बाद उस पर और बढ़ गए होंगे इतना कह के वो रोने लगी तो मैंने उसे दिलासा दिया मगर वो मुसलसल रोते हुए कह रही थी कि उसे देखते ही मैं अपने हवास खो बैठती हूँ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ बहुत अजियत में हूँ मैंने उसे तसल्ली देकर वापस लिटा दिया मगर उसका रोना बंद नहीं हुआ तो एक नींद की गोली खिला दी मैं उसकी बातों से यही समझ रही थी कि वो अपनी सौतीली माँ की बात कर रही है वाकई में वो औरत इस कदर तकलीफ़ देती थी कि अच्छा भला इंसान उसके साथ रहता हुआ पागल हो जाए जैनब को गोली खिलाकर मैं जैसे ही बाहर आई उसी लम्हे उसके चीखने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगी मेरे सामने ही तो वो सो गई थी फिर उसे क्या हुआ ये सोचकर मैं जैसे ही वापस जाने लगी अम्मा ने मुझे रोक दिया कि उसके पास नहीं जाओ अभी बच्ची तकलीफ़ में है तुम्हारे जाने से उसकी तकलीफ़ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएगी अभी बच्ची तकलीफ़ में है तुम्हारे जाने से उसकी तकलीफ़ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएगी मैंने अम्मा को नज़रअंदाज करके जाना चाहा, तो उन्होंने मना कर दिया अब मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था अगर वो भी उसके साथ आसिया जैसा सलूक करना चाहती थी तो फिर उसे यहाँ लाने का फ़ायदा बेहतर नहीं कि मैं जैनब को उसी जहनुम में छोड़ाऊँ मैंने अम्मा की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और जल्दी से कमरे में चली आई जहाँ जैनब बिस्तर पर एक सुकर से मट बैठी दूर खला में किसी को घूरते हुए बातें कर रही थी वक्फे वक्फे से वो खौफनाक आवाज में चीखें भी मारने लगी मैंने जैनब की अजीब वरीब हालत देखी तो भाग कर उसके पास चली गई मगर हैरत की इंतहा न रही जब जैनब ने मेरे पास आने के बजाय खौफ से मुझे देखा फिर खला में देखकर मुझे गुस्से से बोली यहाँ क्यों आई हो जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा जो मुझे नहीं बख्श रहा तुम्हें कैसे बख्शेगा मैंने हैरानी से पूछा जैनी क्या बातें करती फिर रही हो इधर आओ हम बाहर चलते हैं मगर उसने तकिया जोर से मेरी जानब उछाला और चीखी के बाहर जाओ यहाँ से वो तुम्हारी जान ले लेगा मैं एक कदम भी वहां से नहीं हिली ये देखकर जैनब झपट कर मेरी जानब बढ़ी मुझे कमरे से बाहर धक्का दे दिया सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया मैं हक्का अबक्का खड़ी थी मैंने अम्मा को देखा वो मुसलसल बे आवाज कुछ पढ़ रही थी मैं धीरे से उनके पास गई और कहा अम्मा जहनी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है शायद हवास खो बैठी है इसी वजह से उसकी माँ ने उसे बांध के रखा था अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था मगर उसकी ये हालत इतनी ज्यादा खराब हुई तो हुई कैसे अम्मा ने मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया वो मुसलसल पढ़ते जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता कमरे से जैनब की अजीब व गरीब आवाज़ें आना भी बंद हो गई मैं अम्मा के साथ ही बिस्तर में लेट गई वो भी सो चुकी थी मगर मैं पूरी रात जागती रही क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि जैनब को यहाँ लाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ मगर अब उस गलती को सुधारने का कोई चारा मेरे हाथ नहीं लग रहा था ऊपर से उसका निकाह भी हो चुका था उसके शौहर को क्या जवाब दूंगी मैं अगर उसकी सौतीली माँ ने उसके पागलपन का सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया तो फिर मेरे पास क्या रहेगा पूरी रात इसी बेचैनी में कटी सुबह मेरे उठने से पहले ही जैनब उठ चुकी थी मैंने देखा वो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी भाभी अपने मैके में थी जब भाई घर पर नहीं होते थे तो वो ज्यादातर मैके में ही रहा करती थी मैंने हैरत से पूछा जैनब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना कल तो बहुत खराब थी उसने मुझे एक नज़र देखा फिर धीरे से बोली अभी नाश्ता करो शैलाब क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ज़रूरी बताना है इसके बाद ही मैं कोई अगला फैसला करने का सोचूंगी मैं चुप कर गई और नाश्ता करने लगी जो जैनब बनाकर हॉटपॉट में रख चुकी थी नाश्ते के बाद उसने मुझे साथ लिया और हम दोनों ही घर से बाहर आ गए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है बिलाखिर एक वीरान से पार्क में जाकर उसने बेंच का इंतखब किया और मुझे वहाँ बिठा कहने लगी शहला मैं तलाक लेना चाहती हूँ मैंने हैरानी से उसे देखा मगर कुछ पूछने से पहले ही वो दोबारा बोल उठी मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही इतनी ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है कि इस सब के मुतल मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो नहीं बता सकती तुम बस किसी तरह से मेरा पैगाम अरसलान तक पहुँचा देना कि मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ अगर वो वजह पूछे तो उसे कह देना कि मैं अब उसके काबिल नहीं रही मज़ीद मैं तुम्हारे घर में भी नहीं रहूँगी मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी पिछली सब बातों पर मुझे चुप लग चुकी थी मगर इस बात ने मुझे वापस हवासों में लाते हुए झंझोड़ कर रख दिया मैंने जैनब से कहा कि मैं उसकी किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं करूंगी, मगर उसे मेरे साथ चलना होगा जो भी जिंदगी है जैसी भी है मेरे घर में मेरे साथ रहकर गुजारो मुझे कोई मसला नहीं है मेरी बात पर वो गौर से मुझे देखते हुए बोली कि रात को तो तुम यही सोच रही थी कि मुझसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और अब फिर क्या हो गया यह सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए भला उसे कैसे मेरे दिल की बात पता चली अब मुकरने का कोई फायदा नहीं था मैंने मानते हुए कहा कि ऐसा ही है मगर तब हालात और थे मगर अब जबकि तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले करने जा रही हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और ये सब मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ उसने इस बात में सर हिला दिया और मेरे साथ घर चली गई मेरे दिल में बहुत से सवाल मचल रहे थे मगर मैं उससे वादा कर चुकी थी कि उससे कुछ भी नहीं पूछूंगी, सो मुझे अपने सवाल को काबू में ही रखना था घर आकर उसने अपना सामान खाली कमरे में रखा अम्मा भी बघौर हमें देख रही थी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मैं अपने कमरे से पानी लेने बाहर निकली लेकिन जैनब को सहन में खड़ा देखकर ठटक कर रुकी क्योंकि वो दीवार की ओट में छुपी किसी से बातें कर रही थी मैंने चौंक कर उसे देखा तो वहां वाकई में एक साया दिखाई दे रहा था जो किसी मर्द का लग रहा था मैं आगे बढ़ी मगर मेरे जाने से पहले ही जैनब ने पलट कर मुझे देखा और पूछा क्या हुआ शैला कोई बात है बस इतनी सी देर थी कि दीवार से वो साया भी गायब हो चुका था हालांकि वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से कोई छुप कर जा सकता ये बात मेरे लिए वाकई तश्वीशनाक थी जैनब ने धीरे से कहा कि वो चला गया है अब बताओ क्या मसला है कोई बात करनी थी क्या ये सुनकर मेरे हवास एकदम से मअतल हो गए वो इस कदर पुरसकून थी और बता रही थी कि वो चला गया है तो मुझे सच मुझ परेशानी हो गई मैं नफ़ी में सर हिलाकर वापस अपने कमरे में चली आई मुझे जैनब से अब खौफ आ रहा था इस कदर निपातुला अंदाज बहुत कुछ समझा रहा था वो चला गया है आखिर कौन था वो अगर कोई इंसान होता तो वो मुझे नज़र आए बगैर नहीं जा सकता था और फिर कोई और शह मगर नहीं शायद मेरा वहम होगा मैं बाकी सारी रात खुद को यही दिलासे देती रही मगर फजर के वक्त मेरी बस हो गई मैंने ना चाहते हुए भी जैनब की जासूसी करने का सोच लिया और मुतमईन होकर लेट गई उस सुबह भी वो सबका नाश्ता बना चुकी थी हमने नाश्ता किया और फिर दरवाजे पर एक लड़का आया उसके हाथ में एक काला मुर्ख था हर जुमेरात को हमारे घर एक काला मुर्ग आता था जिस पर अम्मा हाथ फेर कर सदके के लिए दे दिया करती थी आज भी वही मुर्गा देने लड़का आया था मैंने उससे मुर्गा पकड़ा मगर जैसे ही उसे घर के अंदर लेकर आई वो शोर मचाने लगा यूं महसूस हो रहा था गोया वो मुझे मना कर रहा हो कि मुझे घर में अंदर ना लेकर जाओ जैसे जैसे मैं आगे कदम बढ़ा रही थी उस मुर्ग़े की हालत खराब होती जा रही थी मैं खुद परेशान थी कि यह सब क्या है उसी लम्हे किचन से जैनब बाहर निकल कर आई तो मुर्गे ने उसे देखकर एक ऊंची हाँक लगाई और फिर उसका फड़फड़ाता जिसम लम्हों में बेजान हो गया अम्मा बरामदे में बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने मुझे कहा वापस कर दो उस लड़के को कह दो कि फेंक दे कहीं और पर और बस अब उसे कहना मुर्ग ना लाए मैं तो बहुत हैरान थी मगर अम्मा इतनी ही पुरसकून दिखाई दे रही थी जैनब की हालत भी अच्छी नहीं लग रही थी उसका रंग भी पीला पड़ चुका था मैं ढीले कदमों से वापस मुड़ी मगर तब तक वो लड़का जा चुका था मजबूरन मैंने ले जाकर वो मुर्गा छत पर फेंक दिया वापस आई तो अम्मा की हालत कुछ बिगड़ रही थी जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास ले गई साथ ही जैनब को भी घर के मुतिक चंद हिदायत वगैरह दे दी अम्मा को क्लिनिक पर लेकर गई मगर बिल ज़्यादा बन गया था और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे सो जब तक उनकी ड्रिप ख़त्म नहीं हो जानी थी मैंने सोचा घर जाकर पैसे ले आऊं यही सोचकर मैं घर आई तो जैनब मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी मैं एकदम से परेशान हो गई कि अचानक कहाँ चली गई उसी लम्हे मुझे छत से कोई हलचल होती महसूस हुई मैं ऊपर गई तो आसमान मेरे सर पर आ गिरा जैनब छत पर बैठी थी उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था जो वो बेदर्दी से बार बार मुर्गे के जिसम में उतार कर बाहर खींच लेती फिर भरपूर ताकत से उसके पेट में उतार देती उसका रुख सीढ़ियों की जानब ही था मेरी आमद महसूस करके उसने एक नज़र ऊपर देखा तो मैं तेवरा कर वापसी के लिए भागी मगर मेरा पैर अटक गया और बुरी तरह सीढ़ियों से नीचे आ गिरी मगर यह शुक्र था कि ज़्यादा चोट नहीं लगी मैंने तकलीफ़ के बावजूद अपनी चादर संभाली और घर से बाहर दौड़ लगा दी मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि घर खुला है या बंद पड़ा है क्लिनिक के रास्ते पर भागते हुए मैं किसी पागल से कम नहीं लग रही थी मेरे सामने बार बार जैनब की खून आलूद आंखें आ रही थीं जिनमें से खून आंसुओं की सूरत में बाहर आ रहा था वो मंजर मेरी जिंदगी का सबसे भयानक हैबतनाक मंजर था जैसे ही जैनब ने मुझे देखा मेरे बदन में आग लग गई थी और मैं हवासों में नहीं रही थी बड़ी मुश्किल से भागते हुए क्लिनिक पर पहुंची तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई नर्स ने जल्दी से मेरी पट्टी कर दी अम्मा ने मुझसे पूछा क्या हुआ था मगर मैंने उन्हें बताना मुनासिब नहीं समझा लेकिन वो बार बार इसरार कर रही थी ऊपर से उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी तो मजबूरन मुझे बताना पड़ा साथ ही मैंने अपना खदशा जाहिर किया कि शायद वो पागल हो गई है अम्मा चुपचाप मेरी बात सुनती रहीं फिर उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे चुप कर जाने का कहा मुझे हैरत हुई कि मैंने उन्हें इतनी बड़ी बात बताई है लेकिन वो सुकून में कैसे हैं उनका अंदाज़ यूं था गोया वो हर बात से वाकिफ हो और मेरी हालत पर अफसोस कर रही हूँ कि सब कुछ देखते हुए भी तुम नहीं समझ रही थी मैंने क्लिनिक पर बिल अदा किया और अम्मा से कहा कि उस घर में आपको किसी सूरत में भी नहीं लेकर जाऊंगी पहले भाई को फ़ोन करते हैं तब तक भाभी के महके में रुक जाते हैं क्योंकि जैनब को अगर आप देख लेती तो मेरे एहसास समझ सकती अम्मा ने मेरा हाथ ज़ोर से थाम लिया और घर के रास्ते पर चलने लगी मैंने बहुत इसरार किया कि हमें नहीं जाना चाहिए पहले तो वो मेरे इसरार को नज़रअंदाज करती रही मगर घर के दरवाजे पर पहुँच जब मैंने अंदर जाने से मना कर दिया तो वो सख्ती से बोली बेवकूफ़ी ना करो कुछ नहीं हुआ तुम्हें वहम हुआ होगा चलो अंदर वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मैं ना चाहते हुए भी अम्मा के साथ अंदर आ गई सामने जैनब बड़े ही पुरसकून अंदाज में चारपाई पर बैठी थी उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो इतनी ख़राब हालत में थी कि एक मरे हुए मुर्गे के बदन में बार बार छुरी चला रही हो उसके किसी अंदाज से नहीं लग रहा था कि मैंने उसे कुछ करते हुए देखा भी है या नहीं जैनब ने हमें पानी पिलाया फिर अम्मा से बोली कि वो लड़का दोबारा पैसे लेने आया था पैसे मैंने दे दिए हैं साथ ही छत से मुर्गा भी उसे ले जाने को बोला था तो वो ले गया है अम्मा ने नॉर्मल अंदाज में सर हिला दिया अब वो मुझसे मुखातिब थी कि आंटी को क्या हुआ था डॉक्टर्स क्या कह रहे थे वगैरह वगैरह मैं पहले तो हैरान हुई फिर अम्मा को देखा तो उन्होंने पुरसकून रहने का इशारा किया जिस पर मैंने ना चाहते हुए भी उसे धीरे से जवाब दिए और अपने कमरे में चली गई लेकिन मुझे किसी सूरत भी सकून नहीं मिल रहा था जैनब मेरे पीछे ही कमरे में आई बोली कि क्या हुआ है तुम्हें घबराई हुई लग रही हो और ये चोटें भी लगी हैं कोई हादसा हुआ है क्या मैंने बिल आखिर वो कह ही दिया जो कहना चाहती थी जैनब मैं पैसे लेने घर वापस आई थी तभी सीढ़ियों से गिर गई थी इस बात पर उसके चेहरे के जाविये ये एकदम से बदल गए तुम आई थी मगर कब मैंने महसूस किया कि वो सच मुझ परेशान हो गई है जैसे उसे मेरी आमद की कोई खबर ही नहीं थी तुमने मुझे देखा था मैंने जताने वाले अंदाज में कहा तो वो बेदम सी होकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई फिर बोली कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मैंने देखा होगा तुम्हें बस मैं अपने हवासों में नहीं होंगी मैंने तलखी से पूछा जैनब ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हारे हवास मअतल कर दिए हैं और वो भी शदीद तौर पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं बता सकती मुझे माफ कर दो शहला मैं बेबस हूँ मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं अपना सांस लेना तक भी मेरे खुद के इख्तियार में नहीं है मैं जितना खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ उस कदर ही बिखरती चली जाती हूँ तुम मेरी दोस्त हो समझने की कोशिश करो मैंने संजीदगी से कहा क्या समझने की कोशिश करो तुम ना मुझ पर एतबार करती हो ऊपर से जिस हालत में दोपहर को मैंने तुम्हें देखा था कोई भी देख वापस इस घर में नहीं लौटता उसने एक नज़र मुझे देखा फिर धीरे से बोली सही कह रही हो तुम मेरे साथ अब किसी का भी रहना मुमकिन नहीं तभी मैंने तलाक की बात की थी मैंने बगौर उसे देखते हुए कहा जैनी जो बात है मुझे बताओ क्या चीज है जिसे तुमने सर पर सवार कर लिया है और वो तुम्हारी दीवानगी की हद तक पागल बनाए हुए है जैनब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो फौरन से उसने खींच लिया बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था कि जलते अंगारों पर हाथ रखा हो मैंने हैरत से जैनब को देखा तो दंग रह गई उसकी बिल्कुल दोपहर वाली हालत हो चुकी थी मैंने चीख कर अम्मा को पुकारा वो कमरे में आई तो ना जाने क्या पढ़कर जैनी पर फूंका, जिससे वो अचानक बेहोश हो गई अम्मा ने मेरा हाथ थामा और बाहर की जानब बढ़ गई मैंने उनसे पूछा कि यह सब क्या था तो वो गुस्से से बोली देख नहीं रही हो हजार मरतबा मना किया है कि इस मुताक बात नहीं करो जब जब तुम ये बात करती हो उस बच्ची को सब कुछ भुगतना पड़ता है उसका पीछा छोड़ दो नहीं छोड़ा जाता तो उसे घर से निकाल दो वो अपना हैला खुद ही कर लेगी वो उसे मरने नहीं देगा मगर जब तुम उसके सामने ये बातें करती हो तो वो उस मासूम को नुकसान पहुंचाता है अम्मा के लहजे से शोले निकल रहे थे अब तो मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अम्मा से पूछ सकूं कि किसकी बात कर रही हैं कौन है जो उसे मेरी वजह से अजियत देता है मैं चुपचाप घुटनों में सर देकर बैठ गई अम्मा की धीमी सी आवाज़ एक मरतबा फिर से मेरे कानों में पड़ी शैला आइंदा जैनब को छूने की गलती मत करना समझ रही हो मैंने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला दिया अम्मा की बात से मुझे वो सब दोबारा याद आ गया जब मैंने सिर्फ जैनब के कंधे पर हाथ रखा था और वो बिफर कर मेरी जानब मुड़ी थी उसकी आंखें उलट चुकी थीं और खून की शिद्दत से इस कदर लाल हो गई थी कि उनमें देखना मुहाल था मैं अब बहुत कुछ समझ चुकी थी मगर समझने के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कुछ जैनब के साथ भी हो सकता है क्या नहीं नहीं वो तो हाफिज़ कुरान है उसके साथ नहीं हुआ होगा ये सब मेरे दिल ने दुहाई दी मगर फिर से वही खौफनाक लम्हात मेरी आँखों के सामने नाच रहे थे मैं जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई तभी मुझे याद आया कि जब जैनब ने मेरी सोच पढ़ ली थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी इसका मतलब है कि इसी सब की वजह से वो मेरी सोच तक पढ़ने के काबिल हो सकी है मेरा पूरा जिसम कांप के रह गया कि पता नहीं जैनब की वजह से मज़ीद मुझे क्या कुछ देखना पड़ेगा वैसे भी कल भाई वापस घर आ रहे थे उनके आते ही भाभी ने भी आ जाना था फिर उनकी मौजूदगी में जैनब की ये हालत मैं कैसे छुपा सकूँगी मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अगले रोज़ भाई और भाभी भी घर आ गए मैं बस यही दुआ करती रही कि उनके सामने कोई हंगामा ना हो जाए पूरा दिन डरती रही मगर शुक्र के पहला दिन तो बड़े आराम से गुजर गया जैनब ज़्यादातर कमरे में ही रही भाभी को उसकी आमद का पहले से ही लम्ब था ऊपर से वो उसके हालात से भी वाकिफ थी तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की मैंने भी पूरा दिन जैनब से बात करने का उसके कमरे में जाने से एतराज़ बरता शाम को मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उसके शौहर को सब कुछ बता दूँ या किसी तरह से उसके ससुराल भेज दूँ उसे ताकि यहाँ से जान छूटे मैं अभी यही सोच रही थी जब जैनब किचन में आई और धीरे से बोली गलती भी ना करना किसी को बताने की हाँ उसके शौहर से कहो कि तलाक दे दे वरना इसके अलावा कोई हरकत की तो अच्छा नहीं होगा मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो मेरे बराबर में जैनब ही खड़ी थी मगर उसकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर बदली हुई थी जैसे कोई चुबा चुबा कर बोल रहा हो मैंने इस बात में सर हिला दिया मगर पूरे जिस्म में एक फुरीरी सी दौड़ चुकी थी मैंने अम्मा से बात करने का फैसला किया क्योंकि जो गलती मैं कर चुकी थी अब उसे अम्मा के मशवरे से ही सुधार सकती थी मैंने अम्मा से कहा इस मसले का कोई हल बताएं इस बात पर उन्होंने मुझे घूर कर देखा फिर करवट लेकर लेट गई अब तो मुझे जैनब से ज़्यादा अम्मा से खौफ आ रहा था वो हर बात से वाकिफ थी, उन्हें किसी शय से डर भी नहीं लगता था और वो मुझे कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी बाकी का दिन भी ऐसे ही परेशानी में गुजर गया रात को मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी जब अम्मा ने मुझे जगाया और एक धागा थमाकर बोली जैनब के कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर यह धागा वहां पर बांध दो जल्दी करो अगर वो उठ भी जाए तो हर सूरत यह धागा बांध कराना यह सुनकर मेरे सारे हवा से एकदम से बेदार हो गए और मैं छलांग लगाकर उसके कमरे की जानब भागी जैसे ही कुंडी लगाने के लिए हाथ बढ़ाए जैनब ने दरवाज़ा खोल दिया उसकी हालत बहुत अजीब थी बिखरे बाल शिकन आलूद पेशानी सुरख आंखें अम्मा ने पीछे सख्ती से कहा इसे अंदर धक्का देकर कुंडी लगा दो मैंने यही किया पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मेरे एक ही धक्के पर वो दूर जा गिरी बस उसके बाद फुर्ती से कु लगाकर उस पर आड़ा तिरछा जैसे भी मुमकिन हुआ धागा बांध दिया धागा बांधते ही जैनब का शोर भी दम तोड़ गया भाई का कमरा छत पर था तो उन्हें उस शोर से कोई फर्क नहीं पड़ा था वैसे भी सर्दियों के दिन थे बंद दरवाजों और लिहाफों में ज्यादा शोर सुनाई नहीं देता था धागा बांधते ही अम्मा ने एक पुरसकून सांस खारिज की फिर पानी का इशारा किया तो मैंने उन्हें जल्दी से पानी पिलाया उन्होंने पानी पीकर दो चार लंबे लंबे गहरे सांस लिए फिर अपने पास बिठाकर बोली मैं समझती हूँ शैला तुम्हें मुझ पर गुस्सा चढ़ा था कि ना मैं कोई बात सीधे तरीके से कर रही हूँ ना ही तुम्हारी किसी बात का जवाब दे रही हूँ बच्चे ये भी एक एहतियात थी मगर खैर आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगी पहले इसलिए नहीं बता सकती थी कि हमारे दिमाग में चलने वाली हर बात जैनब को सुनाई देती थी वो हर बात से बाखबर थी मगर अब मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर हिसार वाला धागा बांध दिया है जिसकी वजह से हमारी की गई कोई बात भी उसे कमरे की दहलीज में सुनाई नहीं देगी मैंने हैरत से पूछा अम्मा ये सब आपको कैसे पता है तो वो मुस्कुरा कर कि बस बेटा क्या बताऊँ मेरे अब्बा मरहूम की सारी जिंदगी इसी तरह गुजरी थी मैं इकलौती थी तो जाते जाते बहुत सा इलम मुझे भी सिखा गए थे दूर दूर से लोग उनके पास इलाज करवाने आते थे तो वही इलम आज यहाँ भी काम आ रहा है अम्मा की बात सुनकर मैं इस बात में सर हिला दिया और पूछा अम्मा जैनब को क्या हुआ है वो क्यों ऐसी हरकतें कर रही है अम्मा ने मेरा कंधा थपकते हुए कहा वो बेचारी बेबस है इसमें उसका कोई कसूर नहीं बस उस पर हावी होने वाले की शरारत थी मैं यकीन से कह सकती हूँ जो भी उस बच्ची के लिए तकलीफ का बायस बन रहा है वो बेदीन है मैं चौंक गई क्या मतलब है आपका क्या कहना चाह रही हैं और वो कौन है अम्मा ने धीरे से कहा कि जिन ज़्यादा अपनी शरारतों से बच्ची को परेशान कर रहा है बल्कि शरारत नहीं शैतानी हरकतों से वो उसके ईमान को कमज़ोर करना चाहता है मतलब मैं चुप ना रह सकी तो पूछ बैठी मतलब ये कि उस रोज़ तुमने जैनब की जो हालत छत पर देखी थी वो बिल्कुल हकीकत थी वो शैतान जैनब को इससे ज़्यादा जिज करता है अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं तो अम्मा आप कुछ करें ना मैंने अल्तजा की जिस पर वो सर्द आह भर कर कि मैं तभी कुछ कर सकती हूँ जब जैनब चाहे वो खुद को इस मुश्किल से खुद ही निकाल सकती है और ये तभी हो सकता है जब वो खुद चाहे अम्मा वो चाहती है ऐसा आप कोशिश तो करें क्या पता वो बच निकले उस शैतान के चुंगल से उसकी ज़िंदगी संवर जाए अम्मा कुछ देर सोचती रहीं फिर धीरे से बोली सही कह रही हो तुम तो। ये अमल थोड़ा मुश्किल होगा जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मेरी जान जा सकती है मगर मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी अगर उस बच्ची की जिंदगी बच जाती है तो और अच्छी बात क्या होगी ऐसा करो मुझे जैनब का कोई कपड़ा ला दो साथ ही दरवाजे पर से जब मैं कहूँ तो वह धागा भी खोल देना अम्मा ने एक अजम से कहा मैं भी फुर्ती से उठी और उसके धोने वाले कपड़ों में से दुपट्टा अम्मा को लाथमाया वो कुछ देर उस दुपट्टे पर पढ़ाई करती रही फिर मुझसे कहा कि जाओ अपने भाई और भाभी को भी बता दो चाहे तो नीचे आ जाएं वरना बेहतर है कि अपने कमरे में ही रहें तुम्हारी भाभी ब्याही है इसीलिए मुश्किल ना हो जाए अम्मा के हुक्म की तामील करते हुए मैंने भाई को सब कुछ बता दिया जिस पर वो बहुत हैरान हुए मगर अम्मा की हिदायत के मुताबिक कमरे में रहने को ही पसंद किया नीचे आकर मैंने अम्मा के कहने पर दरवाजे से वो धागा खोल दिया जैसे ही वो धागा खुला जैनब आंधी तूफान की तरह बाहर निकली और आगे बढ़कर मेरा गला दबोच लिया उसी लम्हे अम्मा ने उसके दुपट्टे को दो चार बल दिए जिससे वो फड़फड़ाने लगी और मुझे धक्का देकर अम्मा के कदमों में जा बैठी वो जमीन पर आड़ी तिरछी हो रही थी को उसके लिए सांस लेना मुश्किल था या शायद उसकी जान बदन के हर अंग से निकल रही हो दस मिनट वो ऐसे ही रही साथ ही अजीबोगरीब आवाजें भी निकालती रही आंखें तो बहुत बुरी हालत में थी बाल खुले मलक जा लिबास ऊपर से रात का तारीख सन्नाटा ये सब कुछ मिलकर उस अमल को बहुत खौफनाक बना रहे थे बिलाखिर अम्मा ने अपने पास गिलास में पड़े पानी पर फूंक मारी और दो कतरे जैनब के ऊपर उछाल दिए जिनसे वो बिलबिला के रह गई और अम्मा की मिन्नतें करने लगी कि इस पानी को मुझसे दूर रखें अम्मा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि इस बच्ची पर क्यों अपना तसलुजमाया है ये सवाल वो जैनब से नहीं उस पर हावी शह से पूछ रही थी जैनब के होंठ बंद थे मगर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी जिसमें वो मिनम मिन आते हुए बोला मैं जानबूझ कर इस पर आशिक नहीं हुआ मुझे बेबस कर दिया गया था मेरी ताकत जब्त कर ली गई थी तो मजबूरन मुझे इस पर आशिक होना पड़ा जब तक मैं इसके साथ रहूंगा मेरी ताकत बरकरार रहेगी जैसे ही इससे दूर हुआ मुझसे सब कुछ छिन जाएगा यह बहुत ज़्यादा अजीब बात थी अम्मा ने उससे पूछा कि कौन है वो जिसने तुम्हें मजबूर किया था मगर उसने मना कर दिया कि वो उसका नाम नहीं बताएगा ये सुनते ही अम्मा ने पानी फेंकना चाहा तो वो झट से बोल उठा इसकी सौतीली माँ ने वो मेरे मालिक के पास आई थी वो चाहती थी कि इस पर किसी शैतानी ताकत को छोड़ दिया जाए बस फिर मालिक ने मुझे इस लड़की की खुशबू सूंगा दी और जब ये अपने निकाह के लोग तलावत कर रही थी एन उसी वक्त मैं इसकी खुशबू सूंघ कर इस पर आशिक हो गया तब से लेकर अब तक मैं इसके साथ हूँ मैं अपना बदला लेने की खातिर इस लड़की को हर वक्त अजियत में रखता हूँ जैसे जैसे इसकी सेहत गिरती जा रही है ये मौत की जानब जा रही है जिस दिन ये मर गई उस रोज़ मैं आज़ाद हो जाऊँगा मैं और अम्मा दोनों ही उसकी बात सुनकर सख्ते में आ गए कि आसिया इस कदर गिरी हुई हरकत भी कर सकती है क्या वो जैनब पर बहुत जुल्म करती थी ये बात तो हम जानते थे मगर वो यहाँ तक चली जाएगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था अम्मा ने उस दिन से कहा कि अगर वो आज़ाद होना चाहता है तो मुसलमान हो जाए उसके बाद किसी भी शैतानी ताकत या आमिल का उस पर कोई बस नहीं चलेगा वो आज़ाद होगा जो चाहे कर सकेगा ये सुनकर वहाँ कुछ देर खामोशी छा गई फिर वो धीरे से बोला मैं खुद भी मुसलमान होना चाहता हूँ क्योंकि जो आयात तुम लोग पढ़ते हो उनमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि एक ही फूंक से हम भसम हो जाते हैं मगर मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि तुम इंसानों की तरह हमें भी कुछ वक्त चाहिए अम्मा ने उसकी बात मान ली और वादा किया कि जब तक का वक्त उसे चाहिए वो ले सकता है मगर इस दौरान जैनब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मान गया आज इस बात को दस बरस हो चुके हैं जैनब की शादी नहीं हुई उसे तलाक हो गई थी वो जिन ज्यादा आज भी जैनब के साथ है और वो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ जानते हैं क्यों क्योंकि उस जिनजादे ने यह शर्त रखी थी कि वो मुसलमान होकर मुझसे शादी करेगा जो कि मुमकिन नहीं था अम्मा ने अपना तमाम इलम लगा कर देख लिया मगर किसी तौर भी उस जिनजादे को जैनब से अलग नहीं कर सकी थक हार कर हम उस आमिल के पास गए मगर वो भी तब तक मर चुका था जैनब ने उस जिनजादे का साथ कबूल कर लिया क्योंकि वो पहले ही सारी जिंदगी इस तरह रहने के लिए जहनी तौर पर तैयार थी अम्मा ने जैनब से कहा था कि वो शादी कर ले जो उसका पहला बच्चा होगा उस जिन जादे का रुख उसकी जानब मोड़ देंगे और वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगी मगर उसने मना कर दिया कि ये मेरी जंग है मैं किसी को भी मुश्किल में नहीं डाल सकती ना शहला को और ना ही अपने बच्चे को जो कभी भी होंगे ही नहीं आज भी वो वैसी ही जिंदगी गुजार रही है जो दस साल पहले गुजार रही थी आपकी क्या राय है उसका फैसला ठीक था या गलत क्या उसे शादी करके उस जिन जादे से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए था मुझे लगता है उसे शादी कर लेनी चाहिए थी अब आप बताइए आपकी क्या राय है